प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। कपास की कैसे प्रोसेसिंग की जाती है जिससे कि फाइबर्स ऑब्टेंड होते हैं और उन फाइबर से कॉटन क्लॉथ और अदर आइटम्स बनाए जाते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है गिनिंग। गिनिंग को हिंदी में बोलते हैं ओटनी। इस प्रोसेस में फाइबर जो है उसको कपास के बीजों से अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड, जो कॉटन के सीड्स हैं उनको अलग करा जाता है और फाइबर्स को अलग करा जाता है, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉटन के सीड्स होते हैं। तो फाइबर्स में से कॉटन सीड्स को अलग करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम गिनिंग या ओटनी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है पहले हाथों के द्वारा होता था, अर्लियर प्रोसेस ऑफ गिनिंग डन मैनुअली बाय द हैंड, और आजकल जो गिनिंग जो है वो मशीन्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। गिनिंग के लिए काम में ली जाने वाली दो प्रकार की मशीनें होती हैं। पहला है रोलर गिन, दूसरी है सॉ टाइप गिन। रोलर गिन को बोलते हैं रोलर ओटनी, सॉ गिन को बोलते हैं आरा ओटनी। ये मशीन्स हैं। रोलर ओटनी जो है वो गॉसिपियम हिरुस्तम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम जो प्लांट कॉटन की जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो सॉ टाइप गिन है, आरा ओटनी जो है वो इजिप्टियन कॉटन के लिए अच्छी मानी जाती है। हम गिनिंग कर क्यों रहे हैं, इसका एम क्या है? पहला तो जो फाइबर्स हैं उसमें से हमें जो कॉटन के बीज हैं उनको सेपरेट करना है, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड। दूसरा, वो जो सीड्स हम कलेक्ट करेंगे उनको हम काम में ले सकते हैं नेक्स्ट सोइंग के टाइम पे। तो सेकेंड एम क्या हो गया, टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, कि हमें जो फाइबर्स हैं वो सीडलेस कॉटन फाइबर हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है गिनिंग के बाद में वो होता है बेलिंग। बेलिंग का मतलब होता है, लिटरली अगर हम समझें तो, कपास की जो ऊन ऊन जो होती है, फाइबर जो होता है उसकी जो गांठें जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बेलिंग। बेलिंग होता है गांठ तैयार करना हिंदी में। जो कॉटन हमें ऑब्टेंड हुए कॉटन फाइबर विदाउट सीड्स, बीजों के बिना, उसको हम रोलर के अंदर, मशीन के अंदर द्रव चालित मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको कंप्रेस करते हैं, उस कॉटन फाइबर को, जिससे कि वो कंप्रेस हो जाता है और उसकी गांठें बना ली जाती हैं। जो गांठ होती हैं उसका वेट 226 kg या 500 pound तक एक बेल का वजन रखा जाता है। उसके बाद में गांठ तैयार करने के बाद में कॉटन फाइबर की उसका पिकिंग की जाती है। पिकिंग को हिंदी में बोलते हैं चयन। बेल्स कॉटन आर पुट इन द स्कूचर। जो गांठें जो हमने तैयार करी हैं जिनका वेट 500 पाउंड है उनको स्कूचर मशीन्स जो होती हैं उनमें डाल दिया जाता है। और इससे क्या होता है, इस मशीन के अंदर जो कॉटन फाइबर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं स्कूचर मशीन के अंदर, और जो फाइबर है कॉटन फाइबर वो शीट के फॉर्म में स्प्रेड कर लिया जाता है। तो पिकिंग जो है उसमें बेल्स को स्कूचर में डाला जाता है। उसके बाद में हमें फाइबर की जो शीट मिली है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है कार्डिंग। कार्डिंग का हिंदी में बोलते हैं धुनाई। कार्डिंग वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो कॉटन के जो फाइबर जो हैं जो उलझे हुए हैं, डिस्टेंगल जो हैं, उनको साफ़ किया जाता है और उनको इंटरमिक्स किया जाता है जिससे कि कॉटन फाइबर का एक कंटिन्यूस वेब बने, यानी कि जाल निर्मित हो। और कार्डिंग प्रोसेस में हम जो कॉटन फाइबर के क्लम्प्स होते हैं मतलब जो पिंड बन जाते हैं, गांठे गिठान सी बन जाती हैं छोटी छोटी, उनको स्प्रेड किया जाता है। और धुनाई जो है, कार्डिंग जो है, वो स्पेशल कार्डिंग मिल के अंदर की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉम्बिंग एंड ड्रॉइंग। इसको हिंदी में बोलते हैं कंकतीकरण एवं क्रशन। कॉम्बिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक कॉम होता है टू थर्ड कॉम दांतों वाला, उसमें टू थर्ड कॉम जो है उससे जो फाइबर्स हैं कॉटन के उन फाइबर मास को हम क्या करेंगे, सुलझाते हैं। इस जो फाइबर जो कॉम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको हम फाइबर के ऊपर, कॉटन फाइबर के ऊपर उसको पुल्ड करेंगे जैसे अपन हेयर को कॉम करते हैं इन द सेम मैनर, जिससे क्या होगा जो फाइबर के ऊपर जो उलझे हुए फाइबर हैं वो सुलझ जाएंगे और उनके ऊपर जो छोटे छोटे रेशे अलग से जो छोटे छोटे बचे हुए फाइबर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग प्रोसेस में जो फाइबर्स हैं जो हमें मिले हैं कॉम्बिंग के बाद में उनको हम इस तरीके से अलाइन मतलब सीधे एक के पैरेललीली उन फाइबर्स को
अटैच करते हैं। उसके बाद में ये जो फाइबर की जो शीट मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे शॉर्ट फाइबर तो कॉम्बिंग में रिमूव हो गए, सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई, फिर इनको इन फाइबर से हम स्पनिंग मतलब कपड़े का उत्पादन करते हैं। तो जो बेसिकली जो प्रोसेसिंग है जो कॉटन की, उसमें 3 स्टेप होते हैं, गिनिंग, बेलिंग, पिकिंग, 4th इज़ कार्डिंग एंड 5th इज़ कॉम्बिंग एंड ड्रॉइंग। थैंक यू सो मच।